हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेन एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम हीट एंड एनर्जी का जो सी पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके इन टोटल हमारे पास ना एक्चुअली चार उसके पार्ट्स हैं। तो पहले दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसका जो सी पार्ट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, डे टू डे लाइफ के अंदर ना हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब हम बात करते हैं किसी एनर्जी की, तो बेसिकली हम दो तरह की एनर्जी को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है हीट एनर्जी, राइट? आप भी जानते हो कि हीट एनर्जी की हेल्प से हम खाना बनाते हैं, राइट? हमें हीट चाहिए होता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उससे टर्बाइन घूम सके। और टर्बाइन घूमने से क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि हमें ना बेसिकली दो फॉर्म की एनर्जी चाहिए होती है। एक चाहिए होती है मेरे को हीट एनर्जी, और दूसरी चाहिए होती है मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उनके कुछ एग्जाम्पल्स पहले आपको बता देता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि मुझे हीट एनर्जी चाहिए कुकिंग पर्पस के लिए। दूसरी एग्जाम्पल हमारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस चलाने के लिए, चाहे वो बल्ब की बात करें, चाहे वो टीवी की बात करें, चाहे वो रेफ्रिजरेटर की बात करें, इन सबको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ज्यादातर देखोगे ना, तो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक हम बात करेंगे हीट एनर्जी की, दूसरी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आगे और एग्जांपल्स भी हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फैक्ट्री सिनेरियो को। अब फैक्ट्री के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को प्रॉपरली चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ये करना इतना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इरिगेशन, इवन हमारे खाने के लिए हमें इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ऑफ कोर्स, एंड उसके लिए पानी चाहिए होता है। पानी के लिए पंप लगाने पड़ते हैं, पंप को चलाने के लिए फिर से क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। सो इन एन होल अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारे पास दो तरह की बेटा एनर्जी होती है जिनको हम हमेशा स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो एनर्जी है जिसको हम स्टडी करते हैं बेटा, वो है हमारी हीट एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी है? दैट इज वाई हीट एनर्जी। और दूसरी एनर्जी जो है जिसको हम देखते हैं बेटा, वो है हमारी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो तरह की एनर्जी की। एक हम बात कर रहे हैं बेटा हीट एनर्जी की, दूसरी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब आप जानते हो बेटा कि अगर मैं हीट एनर्जी की बात करता हूं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम बेटा अपने कुकिंग पर्पस के लिए। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूं, उसका इस्तेमाल होता है बेटा हमारे किसी भी मोटर या टर्बाइन को चलाने के लिए। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि होल एंड होल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो मुझे हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन इन एनर्जीज को पाने का सोर्स क्या है, और अगर मेरे पास कोई सोर्स है तो उस सोर्स का करैक्टरिस्टिक क्या है, अब हमें वही समझना है। देखिए बहुत सिंपल है, पहले हमने क्या स्टडी किया कि हमें एनर्जी कहां कहां चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा कि कौन से सोर्सेस है जहां से हमें ये एनर्जी मिलती है, और उन सोर्सेस को पाने का, या और डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। आई होप आपको पसंद आएगा कि हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं। सो देखिए बेटा, हम बात करेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी की। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर कई बातें क्लियर हो जाते हैं कि मुझे एक्चुअली में जब मैं बात करता हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो मुझे किस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे बोली गई है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट शुड बी सच दैट इट कैन प्रोवाइड एन एडुकेट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। देखिए एडुकेट मतलब मुझे इतनी एनर्जी एटलीस्ट मिल जाए कि मेरा काम चल जाए, नंबर वन। नंबर टू, ये आपका स्टेडी रेट में होना चाहिए। स्टेडी रेट का मतलब होता है कि यार अगर मैं किसी से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो लगातार वो मुझे फॉर ए लॉन्ग रन वो एनर्जी मुझे दे सके। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज।
ठीक है, साथ में इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, उसको आसानी से स्टोर हम कर सके एंड इवन हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट भी कर सके। तो अगर आप ध्यान से यहां देखो तो करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए। नंबर वन, हमें चाहिए एक तो एडुकेट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास एक, यहां पर देखिए, स्टेडी रेट पे होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, ठीक है, कन्वीनियंट होना चाहिए, साथ में हमारे पास इकोनॉमिकल होना चाहिए एंड स्टोर इजी कर सके, इजली उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। क्लियर हो गया? अब इसी बात को बेटा ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक्चुअली में दो तरह की सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। नंबर वन मेरे पास है बेटा रियूनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा है बेटा मेरे पास नॉन रियूनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रियूनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम भी देते हैं एंड नॉन रियूनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। तो रियूनेबल है तो नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रियूनेबल है तो हम उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। तो एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर ये दोनों टाइप की एनर्जी को हमने स्टडी करना है। एक काम करते हैं, एक एक करके उसको स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम रिन्यूएबल, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने स्टडी करना है रिन्यूएबल, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, जब हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसका मतलब होता है बेटा ये वो एनर्जी है जिसको हम बार बार एक्सट्रैक्ट कर सके अपने नेचुरल सोर्सेज से। अब नेचुरल सोर्सेज में देखिए कौन कौन आ सकता है, आप देख सकते हो बेटा, सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे बायोमास की बात हो रही है, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रो पावर की बात हो रही है, मतलब पानी से अगर मैं किसी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इसकी बात करता हूं तो वो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, मतलब सन की हेल्प से अगर मैं एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता हूं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो विंड एनर्जी की बात हो रही है, इसकी बात कर रहा हूं तो जियोथर्मल एनर्जी की बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि हमारे आसपास का जो नेचुरल सोर्सेज है उससे एनर्जी को मुझे एक्सट्रैक्ट करना। एक बात आपको बता देता हूँ, यस ये बात सच है कि हमारे पास बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, हम कई कई डिफरेंट जगहों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम सन की बात करें, चाहे विंड की बात करें, चाहे हम जियोथर्मल की बात करें, टाइड्स की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो टेक प्लेस करता है वो सन की वजह से करता है। सन ही रिस्पॉन्सिबल है विंड के लिए, सन रिस्पॉन्सिबल है टाइड्स के लिए, सन रिस्पॉन्सिबल है ओशन में थर्मल चेंज के लिए, जिसकी वजह से हम जो ओशन से निकाली हुई एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर के लिए हमें पानी की सप्लाई चाहिए होती है, वो कहां से आती है, वो सन से ही आती है। अल्टीमेटली अगर आप सब चीज को देखेंगे तो होल एंड सोल कौन है, मेन सन है। तो इसलिए बेटा मैंने यहां पर अगर आप ध्यान से देखें लाइन लिखी हुई है कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अस ऑन अर्थ। मैं आपको हर एक एनर्जी के टाइम ये समझाऊंगा, आप देखना इस चीज को कि कैसे हर इन सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सन की रिक्वायरमेंट होगी, सन की गर्मी से ही ये सब टेक प्लेस कर रहा होगा। अब हमने इस के बाद जितने भी हमारे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनको एक एक करके स्टडी करना है। तो शुरुआत करेंगे हम अपने सन के साथ, क्या होता है सन के अंदर और किस तरह से एनर्जी आती है, क्या हो रहा है, वो सारी बातें हम एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है वो है हमारा सन। अब हमने वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी स्टडी करना है, उस वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम सन को स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक एक करके बेटा स्टडी करते हैं। बहुत इजी है, समझ में आराम से आपको आ जाएगा। देखिए बेटा, आप यहां देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, सन है। इस सन से लगातार जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। एक्चुअली में अगर हम उसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा सा आप यहां पे ना थोड़ा सा फोकस करें तो बेटा आपको समझ में आएगा यहां पे हो क्या रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि जो सन के अंदर ना कई सारे रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, खास तौर पे अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूं या न्यूक्लियर फिजन की बात करूं, वो सब जो है रिएक्शन इसमें टेक प्लेस करता है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा एंड जाके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं कि जब हमारे एक हैवी न्यूक्लियाई टूट कर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता है तो उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है।
इवन मेरे लाइटर न्यूक्लियाई जब आपस में मिलते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियाई बनता है, उस टाइम भी एनर्जी हमारी एक्सपेक्ट होती है। एक बड़े न्यूक्लियस का टूटकर छोटे में हो जाना, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। और अगर दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहे हैं तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। और ये सभी प्रोसेसेस आपके सन में टेक प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सन से जब हमारे पास ये सभी रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे होते हैं, इससे निकलती है एनर्जी। और वही एनर्जी बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पर आपके नीचे यहां पर देख रहे हैं बेटा ये वाले हिस्से पे, तो यहां पर देख सकते हो बेटा कैसे आपकी एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। यही वो सोलर एनर्जी है जो हमारे अर्थ पर पहुंचती है। आई होप ये बात क्लियर होगी होगी बेटा आपको। चलिए अब मैं आपको बेटा आगे की तरफ लेके चलता हूं। अब यहां से तो बेटा एनर्जी निकल गई, अब वो एनर्जी कहां आएगी? वो एनर्जी बेटा फाइनली एंटर करती है हमारे अर्थ पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है। देखिए ऊपर हमारे पास सन है, उस सन से रेस कहां जा रही है बेटा? मेरे अर्थ पे जा रही है। अब जैसे वो अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे ये क्या है, ब्लू ब्लू सर्कल जो आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका एटमोस्फियर है। ये क्या है बेटा? आपका एटमोस्फियर। बेटा जी जैसे ही हमारा सन की रेज इसमें एंटर करती है, तो बात ध्यान से देना क्या क्या हो रहा है। कुछ जो रेज ऑफ लाइट है बेटा वो तो आपके देखो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, आती है टकरा के चली जाती है। कुछ जो है वो उस एटमोसफेयर के अंदर ट्रैप्ड रहती है, और क्योंकि वो एटमोसफेयर के अंदर ट्रैप्ड है इसकी वजह से क्या होता है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है उन हीट की, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो और ऊपर से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो इन हीट एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे एटमोसफेयर का एक टेम्परेचर सेट रहता है। तो हमारे पूरे एटमोसफेयर के टेम्परेचर को सेट करने के लिए हमें ये सोलर रेज की रिक्वायरमेंट होती है, सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी सन से आ रही है हम उसको कहते हैं एज अ सोलर एनर्जी, ठीक हो गया। तो हमारे घर बोल रहा हूँ, वैसे अर्थ भी हमारा घर ही है, लेकिन हमारे अर्थ के वार्मिंग इफेक्ट के लिए, उसको वार्म रखने के लिए हमें क्या चाहिए? एटमोसफेयर तो ऑफकोर्स ग्रीन हाउस इज यस बट नॉट एक्सेस में चाहिए, बट इतनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या है, सोलर एनर्जी है, उससे हमारा बेटा ये सब चीजें जो है वो टेक प्लेस करती है, ठीक हो गया। अब हम बेटा बात करते हैं कि यहां पर ना आपकी बुक के अंदर दिया गया है सोलर कांस्टेंट, बस उसी को समझाने के लिए बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए बात समझने की कोशिश करोगे तो ये भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। सबसे पहली बात देखिए, यहां से सन आपको दिख रहा है, इन सन से ये सोलर एनर्जी जो है वो आपकी निकल रही है और कहां फॉल कर रही है बेटा? ये फाइनली फॉल कर रही है मेरे अर्थ पे। लेकिन अर्थ से पहले क्या है मेरा? ये एटमोस्फेयर है। व्हाट इज दिस? दिस इज माय एटमोस्फेयर। अब इस एटमोसफेयर को ध्यान से देखो, मैंने ना ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक वाली, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया हुआ है मैंने, सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने। अब ध्यान से देखना कि ये मेरा एटमोसफेयर है, इस एटमोसफेयर पे ये क्या लिया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया काटा हुआ है। उस पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी सोलर एनर्जी जा रही है पर सेकेंड, उसको सोलर कॉन्स्टेंट कहा गया। बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा आपको इसको करके दिखाता हूं, थोड़ा आपको क्लैरिटी हो जाएगी बेटा। मैं फिर से बताता हूं ये चीज के बारे में, आसान बहुत है। देखिए ये आपके सोलर एनर्जी आ रही है, ये जो आप यहां देख रहे हैं, हाँ एटमोसफेयर की बात हो रही है, अर्थ की बात नहीं हो रही, एटमोसफेयर की। तो जहां से एटमोसफेयर शुरू होता है हमारा, वहां से सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, ज्यादा नहीं लेना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लीजिए। उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, ठीक है बेटा, कितनी आपकी सोलर एनर्जी एंटर कर रही है 1 पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड, और इन पर 1 सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर कितनी जा रही है, उसको हम सोलर कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है। होता है कि 1360 जूल ऑफ एनर्जी एंटर करती है बेटा आपके 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड आएगा, और जूल पर सेकेंड को ही बेटा वॉट कहा जाता है, इसलिए 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाता है। हाँ, थोड़ा सा इसको अप्रोप्रिएट करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पता क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको 1.36 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये वही वैल्यू है बेटा जो आपकी बुक में आपको दी गई है। आई होप आपको सोलर कॉन्स्टेंट समझ में आ गया होगा, क्लियर, गुड। तो ऑन एन एवरेज हमारे एटमोसफेयर के अंदर पर मीटर स्क्वायर का अगर मैं एरिया काट लू, तो 1.36 किलो वॉट ऑफ एनर्जी एंटर करती है हर सेकेंड के अंदर। आई होप आपको अच्छी तरह ये जो सोलर एनर्जी है और ये सोलर कॉन्स्टेंट समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये जो सोलर एनर्जी है ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डिपेंडेंट, देखो
इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स अपना खाना जिस प्रोसेस में, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन एलिमेंट क्या है? आपका सन है। अगर सन ना हो, प्लांट ना हो, प्लांट ना हो तो हम ना हो, आसपास के जीवन जाते कुछ ना हो, तो ये समझ लीजिए कि सन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे हमारा जो क्या कहते हैं उसको, आसपास में जो विंड ब्रीज होती है उसके लिए भी सन रिस्पॉन्सिबल है। हमारा ओशन के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस सन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी कई चीजें हैं, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाएंगे, पहले हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, सो पहला हमने सोलर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर विंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक लार्ज मास जो है मेरे मूविंग एयर का, उसी को विंड का नाम दिया गया है। तो देखिए क्योंकि विंड मेरे बेटा एक्चुअली मूव कर रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसी को विंड एनर्जी का नाम दिया गया है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एक्चुअली में ये विंड जो है वो ऐसे ब्लो क्यों करता है एक एंड से दूसरे एंड के अंदर? लीजिए आपको पहले उसका जवाब दे देते हैं। देखिए बेटा बात बहुत सिंपल सी होती है। बात ये है कि अगर आप ध्यान से बेटा यहाँ पे देखो, तो देखो सन की जो रेज है वो ऑब्वियस है हमारे अर्थ पे गिरती है, आप देख ही सकते हो मेरे अर्थ पे गिर रही है, ठीक है ना? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, क्या सन हर एक स्पॉट में एक जैसा ही एक्ट कर रहा है? आपको बिल्कुल नहीं वो दिखेगा, ध्यान से देखो आपको पता लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इस अर्थ को देखते हो और इस अर्थ के ऊपर लाइट, जो सन की लाइट फॉल कर रही है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि भाई अगर सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ यार, तो उस केस में तो लाइट डायरेक्टली फॉल कर रही है। और अगर मैं पोल्स की तरफ चले जाऊं तो आपको दिखाई देगा यार सन जो है कि एंगल पे फॉल कर रही है। बस यही कारण है बेटा, और यही चीज आपने समझनी है। देखिए क्या होता है कि अगर सन की जो रेज है किसी सरफेस पे डायरेक्टली फॉल करेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑफकोर्स वो हीट अप हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान से ऊपर देखते हो तो वहां पे पोल पर सन रेज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो मतलब ये वाला हिस्सा जो है, सेंटर वाला हिस्सा है जो है, ये आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो सेंटर वाला हिस्सा बेटा ये आपका गर्म हो जाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वहां पे पोल के पास, वहां पर उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि सेंटर पे अगर मैं देख रहा हूं तो टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर देख रहा हूं तो टेम्परेचर बेटा क्या है, कम। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, मन में सवाल आ गया। देखिए बेटा जी सिंपल सी बात है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां की जो हवा है गर्म होके हल्की हो जाती है, और क्योंकि वो हल्की हो जाती है इसलिए ऊपर की तरफ चली जाती है, और वहां पर क्रिएट होता है एक लो प्रेशर रीजन। और जहां पे ठंडा इलाका बेटा, देखा ना ये ऊपर वाला देख रहे हो ठंडा इलाका है, जहां पे ठंडा इलाका है वहां पर आपका, क्योंकि ठंडा होने से क्या होता है, थोड़ा सा हवा कंडेंस होती है, भारी होती है, सेटल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि हवा जो है या फ्लूड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एंटर करता है, और यही बात आपको समझाई है मैंने अपने नेक्स्ट पार्ट। तो एक्चुअली में अगर थोड़ा ध्यान से देखो, अब आपको दिखेगा ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से बेटा फोकस करोगे तो आपको दिखता है कि यार एक्चुअली में जो हमारे, देखो पोल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पोल्स पर हमारे पास ठंडी हवाएं हैं, इक्वेटर की बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या है, गर्म हवाएं हैं। तो एक्चुअली में ठंडी हवा जो है, मतलब जो कि हाई प्रेशर रीजन है, वहां से हवा आती है और गर्म वाले जो हिस्से है ना वहां पर चली जाती है। ऐसा क्यों करती है? प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड। इसे प्रेशर, क्योंकि क्या है, इक्वेटर में प्रेशर कम है, पोल्स पे प्रेशर ज्यादा है, जो हमारा हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, और क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है तो उससे हवाएं चलेंगी। हवा का जो मतलब है वो यही है ना, इससे क्या चलती है, हवा चलती है। सो हमारी विंड एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ फाइनली? आप बोलेंगे सर प्रेशर डिफरेंस, नहीं, अरे सन रिस्पॉन्सिबल हुआ। सन से जो रेज आ रही है सेंटर पे पड़ने की वजह से वो ज्यादा गर्म हो रहा है, ऊपर कम दूर है और एक एंगल पे फॉल कर रहा है, इसलिए कम प्रेशर बेटा सॉरी हाई प्रेशर वहां क्रिएट हो रहा है क्योंकि ठंडी हवाएं हैं वहां पर। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन? सन। इसीलिए ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो हवाएं हैं वो वहां से नीचे की तरफ ट्रेवल करती हैं ताकि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो सके।
तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी, अगर आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखते हो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये क्यों होता है. नंबर वन, ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ, नंबर वन. नंबर टू, रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब अर्थ रोटेट करता है, उसकी वजह से भी रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा. दूसरा, लोकल कन्वेक्शन करंट्स, वी हैव डिफरेंट विंड साइकल्स. ऑब्वियस है बेटा जी. डू यू रिमेम्बर, आपने पढ़ा हुआ है क्या था वो, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में. लोकल कन्वेंशन तो है आपके, आपको पता. अगर हमारे इंडिया की ही बात कर लेते हैं तो डिफरेंट स्टेट के अंदर जो गर्मी है वो अलग अलग होती है. ये तो नहीं होती कि हर एक स्टेट के अंदर एक जैसी गर्मी होती है. कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा, गोवा की तरफ चले जाओ वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा. आपके बाहर राजस्थान चले तो बहुत गर्मी पड़ रही होती है वहां पे, क्योंकि उसके आसपास, राजस्थान के आसपास ऑब्वियस ऐसा समुंदर नहीं है. गोवा में चले जाए या बॉम्बे चले जाए, वहां पे समुंदर है, उससे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि लैंड ब्रिज सी ब्रिज सब कुछ होता है वहां पर. तो कहने का मतलब ये छोटी बातें होती है और वहां से ये सब चीजें हमारे को मिलती है. अब आप बोलेंगे सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं. अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका यहाँ पर विंड ट्रेवल कर रही है, रास्ते में आप फैन लगा दो, टर्बाइन के साथ फैन घुमा, विंड की हेल्प से टर्बाइन घुमा, टर्बाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और हमारा काम बन गया. तो हम इसलिए ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं. चलिए, अब हमने बेटा ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि विंड बेसिकली कैसे आपका फ्लो करता है. अब हम बात करेंगे बेटा फ्लोइंग वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब हम पहले इसको समझते हैं ये सारा हो क्या रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है जी, चल देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है बेटा, सन की जो रेज है हमारे पानी पे पड़ती है, उससे देखो यहाँ पे क्लाउड बना, क्लाउड चला गया इधर की तरफ विंड की हेल्प से ऑफकोर्स. फिर यहाँ पे वो क्या होता है बेटा, बारिश होती है. जब वो बारिश होती है तो वो पानी जो है वो आपका नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाता है. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए आपको बेटा 100% समझ में आएगा मैंने क्या बताया. ठीक है, क्या हुआ, वहां से बादल बना, हवा ने क्या किया, उस बादल को यहां से यहां मूव करवाया, वहां से बारिश हुई. जैसे बारिश हुई ये जो पानी है, जो ये सरफेस पे ऊपर टॉप वाली सरफेस पे, ये नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, पानी नीचे गिरेगा फ्लो के साथ गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. पर हमें करना क्या था, हमें बस यही करना था, उसके रास्ते में टर्बाइन लगा दो. उसके रास्ते पे टर्बाइन लगा देंगे, टर्बाइन घूमेगा, पंखा घूमेगा, बेसिकली उसका मोटर घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. बस यही सब चीज चलती रहती है थ्रू आउट, यही करते रहेंगे. ठीक है ना, तो देखिए, तो ये इस टाइप की एनर्जी को बेसिकली हम हाइड्रो एनर्जी का नाम देते हैं. एंड देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, आप देखिए वहां पे सबसे ऊपर ये पढ़ो, इस वाली चीज को पढ़ो, क्या कहता, कहता द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रो एनर्जी. एंड क्या नेक्स्ट लाइन यहाँ क्या लिखी है मैंने, पढ़ लो, लिखा है ना कि हाइड्रो एनर्जी टू कम्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन. अरे सारी बातें सन की ही है, सन ही मेन है, ध्यान रखो. हाँ ये बात ठीक है, हमने अलग अलग फॉर्म पढ़ने हैं क्योंकि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पर अल्टीमेटली उन तरीकों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सन. ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने ये पढ़ लिया है, देखिए एक ना छोटा सा आपको यहाँ पर दैट इज रन ऑफ द रिवर स्कीम के बारे में दिखाया गया है. ये आपके सिलेबस में ऐसी वर्डिंग लिखी हुई है तो मैंने लिखा यहाँ पे. रन ऑफ द रिवर स्कीम का मतलब क्या है यार, देखो पहले तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे तो आपको बड़ा क्लैरिटी हो जाएगी कि हो क्या रहा है. ठीक है, सबसे ऊपर वहां देखो टॉप पे, वहां से पानी जो है वो स्लाइड होके नदियों के थ्रू ऐसे आ रहा है. और अगर वहां देखो ये वाला हिस्सा देखो, यहां से एक हिस्सा हमने तोड़ा हुआ है, उस हिस्से का काम है पानी को ऐसे नीचे की तरफ लेके आना. फिर देख रहे पाइप लगी हुई है, पाइप से वो पानी नीचे की तरफ आएगा. यहां देखो आपका टरबाइन लगा हुआ है, वो जो टरबाइन है वो इसी पानी की वजह से रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. यही तो काम है. एक सिंपल सा डायग्राम आपको यहां पे दिखाया हुआ है थोड़ा सा ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली सब ये कैसा हो रहा है. क्लियर, श्योर, आगे बढ़ते हैं. देखिए बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे. आई होप आपको बेटा क्लैरिटी हो जाएगी एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. ठीक है ना, ओके. फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट है वही चीज, वही चीज प्राणायाम के अंदर, खासतौर पे तो प्राणायाम क्या आजकल भी हमें देखने को मिलता है कि अगर मेरे को जैसे इसको आटे की चक्की बोलते हैं, फ्लार मिल बोलते हैं बेसिकली, उसको चलाने का तरीका क्या है. सबसे पहले यहाँ देखें वुडन का बना हुआ, पानी इसमें से फ्लो कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, अब आप इधर देखिए, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, जैसे इसके ऊपर गेयर्स लगे हुए हैं, गेयर्स के ऊपर चक्की लगी हुई है, वो चक्की रोटेट कर रही है, ऊपर से ग्रेन्स गिर रहे हैं. जब ग्रेन्स नीचे गिरेंगे, चक्की घूमेगी, तो ऑटोमेटिकली आटा पिस के बाहर आ जाएगा. और यही चीज यहाँ पे बेटा आपका टेक प्लेस कर रहा है. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. यहाँ आप देख सकते हो ये गियर्स है,
ये आपकी चक्की हो गई, ऊपर ग्रेन्स आपके नीचे गिर रहे हैं, चक्की घूम रही है, ऑटोमेटिकली बेटा जो आटा है वो बाहर आ रहा है, फ्लावर आपका बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है। सो वेरी सिंपल थिंग, आराम से किया जा सकता है, ठीक है जी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे बेटा बायोमास के बारे में। ऐसे काफी दिए हुए तो एक करके जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस चीज को। देखिए बेटा बायोमास, पहले ये समझो कि बायोमास है क्या आपका, ठीक है। कोई भी वेस्ट या डेड प्लांट्स, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, आप भी अपने बुक में टिक किया करो, साथ साथ लिख लिया करो, नहीं तो आपके काम आएगा। कोई भी वेस्ट या डेड प्लांट्स है किसी भी लिविंग बींग का, ठीक है, लाइक प्लांट्स की बात करूं, ट्री की बात करूं, एनिमल की बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारा बायोमास होता है। दे कंटेन कार्बन कंपाउंड्स ऑफकोर्स, और एक बात ध्यान रख लीजिए, इन्हीं बायोमास के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसी को बायो एनर्जी का हम नाम देते हैं। अच्छा, पहली बात देखते हैं हमें मतलब कहां कहां से बायोमास मिलता है, हम किन की बात कर रहे हैं। यहां से देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है बायोमास के सोर्सेस। अगर मेरे पास कोई भी, जैसे हमारे पास क्या है, दैट इज फॉरेस्ट्री से, यदि देखो क्या होता है ना, फूल पत्ते जो आपके गिर जाते हैं, ठीक है, जो हमारे काम नहीं आते उनको यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज को इस्तेमाल किया सकता है, एनिमल के जो हमारे पास रेसिड्यूज है इनका इस्तेमाल हो सकता है, म्युनिसिपल का जो सॉलिड वेस्ट है इसका इस्तेमाल होता है, सेवेजी का इस्तेमाल हो सकता है, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड उसके रेसिड्यूज का इस्तेमाल होता है। इन सब का क्या किया जाता है वो बता देता हूँ। इन सब को एक्चुअली में लेके जाया जाता है एक कंटेनर के अंदर, उस मतलब मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बाद में बात करेंगे, वो थोड़ा सा मेन मेन समझो क्या होता है कि इन सभी को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके कहाँ डाल देते हैं, एक कंटेनर में डाल देते हैं। उस कंटेनर के अंदर ध्यान से सुनना, डिकम्पोजिशन होती है उन सभी चीजों की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैसे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि बेटा जो गैस है वो आपका बाहर निकलता है। अब वो जो गैस है ना बेटा आपकी, उसमें 65% आपका मिथेन होता है, लिखा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए, 65% क्या होता है, मिथेन होता है। और बाकी का जो गैस हो गया उसमें मिक्सचर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, इसलिए पंजेंट स्मेल उसमें आती है ना। तो इन सब का इसमें मतलब इस गैस का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये गैस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब सवाल ये आता है कि सर ये गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये सब चीजों में हम अपने गैस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी बेटा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए हम गैस का ही नहीं, इवन ये जो आपका बाकी का हिस्सा बच जाता है इसका इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए जहां तक गैस की बात करते हैं, हम उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट करने का काम लाते हैं, घर का खाना हो गया, व्हीकल्स को चलाना, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। इवन जो ये बायोगैस है ना, ये इसमें से बायोप्लास्टिक बनती है, उससे हम फर्नीचर इन सब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो चीजें बच जाती हैं, मतलब आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग एवरीथिंग जो बाकी का हिस्सा बच गया, उसको हम अपने लाइफ स्टॉक के अंदर इसका बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, ठीक है जी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पे इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर बात सिर्फ पता क्या है बेटा, बात सिर्फ ये रह जाती है कि हमारे इंडिया के अंदर ना दो तरीकों से ये जो गोबर गैस है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहली बात, मैंने वर्ड निकल ही गया कि गोबर गैस प्लांट इनको कहा जाता है। तो गोबर गैस हम क्यों कहते हैं, गोबर गैस प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जब भी हम इनके अंदर ये सारे मटेरियल्स को डालते हैं ना, तो एक स्लरी की फॉर्म में उसको उसमें डाला जाता है। क्या होता है कि मेरे पास जैसे गोबर है, राइट, उस गोबर को जिसको हम काउ डंक या एनिमल डंक के बारे में हम जानते हैं, मिक्सचर ऑफ एनिमल डंक होता है जिनको हम गोबर कहते हैं बेसिकली, उसको स्लरी, उसको पानी मिक्स करके उससे स्लरी बनाई जाती है, और उस स्लरी का इस्तेमाल करके उसमें से गोबर गैस जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इसलिए उसको गोबर गैस प्लांट भी हम कहते हैं। दो तरीके, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं, एक तो फ्लोटिंग गैस के तरीके से बताया होगा बेटा, एक फिक्स डोम जो है उसके तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में लिखा था तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। भाई बेसिकली क्या है, ये वाला जो हिस्सा आप यहाँ देख रहे हो ये एक फ्लोटिंग गैस होल्डर को रिप्रेजेंट करे, ये बायोगैस प्लांट है आपका। ये अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड गैस के बारे में बात हो रही है, बहुत इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम डूंगा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से दो टाइप के हमारे इंडिया के अंदर यूज होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर में आता है बेटा टाइड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बेटा हमारे पास ना दो तरह के टाइड्स होते हैं, समझो ध्यान से बेटा, हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में बात करते हैं। साहब मैंने देखो
अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, राइट। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हो ये हाई टाइड है, हाई टाइड में देख सकते हो पानी कैसे ऊपर कोस्ट की तरफ चढ़ा हुआ है, और उधर वाला हिस्सा देखो पानी पीछे की तरफ जा चुका है आपका, ठीक है ना। तो ये जो जो डिफरेंस है बेटा, एक हाई टाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक आपका लो टाइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, वो क्लियर हो गई होगी, राइट। तो यही बात बेटा यहाँ पे लिखी भी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो वहां पे लिखा हुआ है, कहता है द राइज ऑफ द ओशन वाटर नियर द कोस्ट इज कॉल्ड द हाई टाइड, देख सकते हो ये आपका आंसर है। फिर वो कहता है द फॉल ऑफ द ओशन वाटर इज कॉल्ड द लो टाइड, ये वाला जो आपको मैंने दूसरा बताया, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये इसका पार्ट है, ठीक है। अब जो एनर्जी राइज एंड फॉल के टाइम में उस पानी के अंदर होती है उसी को टाइडल एनर्जी कहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, पानी ऊपर चढ़ा, पानी नीचे की तरफ आया, उस टाइम उसके अंदर एनर्जी होगी, उस एनर्जी को टाइडल एनर्जी का नाम देंगे। एक्सट्रैक्ट करना आता है हमें, हम करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आप उस पिक्चर को देखो, उससे क्लैरिटी हो जाएगी क्या हो रहा है आपका। देखिए क्या होता है कि जो पानी होता है ना उसके रस्ते में एक हल्का सा, देखिए मैं आपको थोड़ा इसको क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखते हो तो देखो इस डैम के अंदर एक थोड़ा सा नैरो पैसेज बनाया हुआ है, जब वहां से पानी इसके अंदर एंटर करता है ना, तो इसके अंदर ये छोटी सी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फैन, ये रोटेट होता है। ऑफ कोर्स ये टर्बाइन है, इसको रोटेट करके क्या करते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है। इतनी बात ही नहीं है, उसके बाद क्या होता है नीचे वाले में देखो, जब पानी ऑटोमेटिक, देखो इस वाले में क्या था, पानी इधर की तरफ आ गया। अब जब इसकी बात करो, जब पानी उधर की तरफ जाएगा आपका, उस टाइम फैन को फिर से रोटेट करेगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि फिर से रोटेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी फिर से एक्सट्रैक्ट होगी। अच्छा अब ना, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वाले केस में देखिए, पानी गया, पानी वापस आया, कैसे देखो, एक वहां पे देखो स्लैब बनी हुई है, स्लैब को नीचे और ऊपर करके हम पानी के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बस मेन बात तो ये है यार, जब आएगा तब भी रोटेट करेगा, जब जाएगा पानी तब भी रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा बाकी यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि बात ये है कि यस टाइडल एनर्जी होती है, बट हम ज्यादातर इस सिस्टम से अपने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं करते। दो तो बेसिक रीजंस बताए गए हैं अगर आप ध्यान से देखो। तो सबसे पहला रीजन क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे दिख जाएगा कि द राइज एंड द फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द टाइड इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि बहुत ही कम साइट्स है जहां पर हम ऐसा डैम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। बस यही रीजन है जिसकी वजह से टाइड की हेल्प से जो टाइडल एनर्जी है उसको हम एक्सट्रैक्ट या उसको हार्नेस करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ओशंस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। पता क्या है बेटा, देखो हमारा जो पानी है ना ओशन के अंदर, उसमें दो तरह की एनर्जी है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो है वो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, ओशन थर्मल एनर्जी। क्या है बताऊंगा, टेंशन लेते हो बता रहा हूं ना। और दूसरा है हमारे पास, दैट इज वेव एनर्जी, जिसको ओशियनिक या सी वेव एनर्जी के नाम पर भी हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ये जो देखो इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये बता रहा है ओशन थर्मल एनर्जी को, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है आपका दैट इज वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। हाँ एग्जैक्टली होता क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लेके चलता हूँ बेटा आपको मैं दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर। हाँ एक बात आपको बता दूं बेटा कि जो पावर प्लांट लगाया जाता है ओशन की थर्मल एनर्जी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, जिसको ओटीईसी पावर प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल है, आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है गुड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ जनरल आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए कि हो क्या रहा है बेसिकली इसके अंदर। सबसे पहले देखो बेटा यहां पर और यहां पर इन दोनों में क्या है डिफरेंस वो बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है बच्चे कि हमारा जो सन है वो सन अपना जो अपनी सोलर एनर्जी जो है वो पानी के ऊपर ऐसे मारता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है ये आपका हीटअप हो जाता है, क्या हो जाता है हीट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑब्वियस सोलर की एनर्जी वहां तक थोड़ी इतनी पहुंचेगी, जिसकी वजह से नीचे वाले सतह पे और ये जो ऊपर वाला सरफेस है इन दोनों के बीच में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ गया। तो अब होगा क्या, और देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अमोनियम पंप, इसमें अमोनिया होता है। वाई अमोनिया, अमोनिया का ना लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर थोड़ी सी भी उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दी जाए ना वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है,
बस जी यही सारी कहानी है। ऊपर की एनर्जी जो है बेटा, है ना, अगर आप ध्यान देखो वहां पे ऊपर की जो एनर्जी है, मतलब हीटअप ज्यादा है, ये पंप जो है अमोनिया को लेके जाके यहाँ जाएगा, हीटअप होगा, वेपर बनेगा, वो वेपर चला गया सीधा कहाँ पे, आपके टरबाइन के अंदर। अब जैसे ही टरबाइन के अंदर गया, टरबाइन घूमा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट हो गई, बस उसके बाद वापिस जो वही वेपर जो है यहां से निकला, ये कंडेंसर है बेटा, यहाँ पे एंटर करेगा, जैसे एंटर करेगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर दोबारा कहाँ चला जाएगा, और ये सर्कुलेशन चलता रहता है, टरबाइन घूमता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक्सट्रैक्ट होती रहती है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं बेटा इसके इस वाले पार्ट पे, क्या बोला है ध्यान से पढ़ो। कहता है द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर से सन की वजह से, मैं बार बार बोल रहा हूँ सन ही मेन है, सीधी सी बात, सन की वजह से एट द सर्फेस और द डीपर लेवल ऑफ द ओशन इज कॉल्ड द ओशन थर्मल एनर्जी। और हाँ, जिस पावर प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है बेटा, क्या नाम है इसका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, ये बात याद रखना, इजिली आप ये कर पाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाती है आपकी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा अपने सी एनर्जी के बारे में, मतलब वेव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है बेटा आपका, जो ओशन होता है ना, ओशन के सरफेस में बड़ी तेजी से हवाएं चल रही होती हैं, उनकी वजह से जो वेव्स हैं वो मूव करते विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है जी, एंड उन्हीं को ओशियनिक वेव्स या सी वेव्स का हम नाम देते हैं। अब आपने ये चीज देखी है कभी ना, टीवी में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह में देखा होगा, तो शायद आप देखेंगे इस चीजों को, वहां पर ना इस तरह की चीज रखी जाती है, और आपको पता है इसका इस्तेमाल वेव से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, बात सच है, दिखा तो कैसे थोड़ा सा अब इस आपका ध्यान ना, मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर की तरफ जाए, यहाँ पे ऊपर इस पिक्चर में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही वेव आपकी फ्लो करती है तो इसमें दो चीजें हैं ना, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है राइट, इसके बीच में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा, ये देखो ये दो पिस्टन दिख रहे हैं, ये वाले पिस्टन, हाँ बस आपने इन पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आप इनको देखोगे, एक पिस्टन अंदर जा रहा है, एक पिस्टन बाहर आ रहा है, एक पिस्टन अंदर जा रहा है, एक पिस्टन बाहर जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना हाइड्रोलिक फ्लूड है, तो जब एक पिस्टन ऊपर जाता है तो वो फ्लूड अंदर ट्रेवल करती है, अंदर के जो टर्बाइन है, अंदर का जो हमारे पास मोटर है उसको रोटेट करने में उसकी हेल्प करता है, फिर जब वो नीचे की तरफ आता है तो नीचे वाला जो है सिस्टम, पिस्टन सॉरी, वो अंदर की तरफ जाता है, फिर से मोटर रोटेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट होती है, तो बस यही मोशन की वजह से भी हम आराम से अपनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि हवा की वजह से ये वेव आपकी प्रोड्यूस हो रही है, और वेव की स्पीड होती है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है एक फास्ट मूविंग ओशियनिक वेव, उसी को ही हम अपनी वेव एनर्जी का नाम देते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये था बेटा वेव के बारे में, फिर हमने पढ़ लिया उससे पहले थर्मल के बारे में, ठीक है, दोनों हमारे कवर हो चुके। अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर पे, जिसको जियो थर्मल स्पोर्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हम बोलना चाहते हैं वो बता रहे। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ना बड़ी खतरनाक चीज देखने को मिलती है। देखिए सबसे नीचे मैग्मा देख रहे हो, मैग्मा में देख, मैं आपको ना थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ ये एक्चुअली है क्या, होता क्या है हमारा ना, जो जो हमारे पास अर्थ जैसे मतलब सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर देखिएगा बेटा कुछ हमारे पास ना पानी के सोर्सेज होते हैं राइट, और आसपास ऐसा रीजन होता है जहां पर लावा या मैग्मा आपका फ्लो कर रहा है। जब ये पानी उस लावा के ऊपर या मैग्मा के ऊपर फॉल करेगा तो क्या होगा, एकदम से भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगा। हमारा काम होता है उस पोर्ट को ढूंढना, ड्रिल करके उस स्टीम को बाहर निकालना, उस स्टीम की हेल्प से हमने अपने टर्बाइन को घुमाना है, और जैसे टर्बाइन घूमेगी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसी को कहा गया जियो थर्मल स्पोर्ट्स। ठीक है जी, और उस एनर्जी हमने जियो थर्मल एनर्जी और पावर प्लांट ये सब उसी की बेसिस की बातें होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हमारे पास सरफेस है, सरफेस में क्रैक्स होते हैं, उस क्रैक्स से पानी नीचे जाता है, इकट्ठा होता रहता है कहीं जोर पे, कभी कभार क्या होता है कि आसपास कहीं पे वो एक इनएक्टिव या एक्टिव वोल्केनो होता है, जिसकी वजह से नीचे मैग्मा फ्लो कर रहा होता है, जब पानी उस मैग्मा पे फॉल करती है तो एकदम से भाप बन जाती है, मतलब स्टीम बन जाती है। हमारा काम है उन जगह को ढूंढना, उसके अंदर ड्रिल करना, ड्रिल करने के बाद उसमें से भाप को बाहर निकालना, और जैसे ही वो बाहर निकला हमारा काम बन गया, करना ही नहीं हमें, ठीक है, हमने उसको टरबाइन से पास करवाना है और ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर हमें मिल जाती है, बस यही है इसके अंदर, और इतना कोई बड़ी इसमें चीज करने को नहीं है। ठीक है जी,
आप इसमें वो चीज ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि सारा कुछ कैसे टेक प्लेस कर रहा है। मैग्मा, स्टीम, स्टीम जो है वो सीधी गई आपके स्टेशन के अंदर, स्टीम टर्बाइन हुआ, जनरेटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो गई। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बहुत इजी चीजें यार। देखो मोर ऑफ द स्टोरी ये कि मुझे टर्बाइन घुमाना है, आप भी दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या सोर्स का इस्तेमाल करके मैं टर्बाइन घुमा सकता हूँ जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुझे मिल सके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वही चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बेटा यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ताकि थोड़े से ना क्लैरिटी हो जाए आप लोगों के लिए, तो मुझे हर चीज रिसर्च करनी पड़ता कि बेस्ट टू बेस्ट आपको कंटेंट दे सकूं। तो ये देखिए यही मैं कह रहा था आपको, स्टीम जा रही है, टर्बाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सो ऑन सो सारी बातें। ठीक है जी, चलिए आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर भी कई ऐसी प्लेसेस है जहां पर थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपके लगे हो, थर्मल ही जियो थर्मल पावर प्लांट आपके लगे हुए हैं। उनमें से जैसे कि ये देखिए, ये वो प्लेसेस है बेटा, देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये मेजर जियोथर्मल स्पॉट्स है जहां पर हम चाहें तो थर्मल पावर प्लांट्स बना सकते हैं। और कहीं पे तो मेजर जो बने हुए हैं बेटा वो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो यहाँ पर बने हुए। ठीक है, इसके अलावा यूएस के अंदर काफी जगहों पर बेटा ये बनाया हुआ है, इवन न्यूजीलैंड के अंदर भी देख सकते हो, वोल्केनिक जहाँ जहाँ रीजन होता है वहां पर हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेटा लास्ट रह जाता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा मैं आपको एक बार बताऊं, हमने ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टडी किया है। कभी कभी मन में आता होगा सर सबसे बढ़िया यार ये जितने भी सोर्सेज है ना ये हमारे हम इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जहां से हम एनर्जी को ज्यादा अमाउंट में मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप सोलर की बात करते तो मुझे कई सारे सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा एरिया चाहिए आपको, सूरज लगातार आपकी तेज तपिश उस पर गिरनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर विंड की बात करते हो बहुत सारे आपको विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं, है ना। तो ये बहुत चीजें हैं। फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, तो न्यूक्लियर ही हमारा फ्यूचर है एक तरह से देखा जाए, बाकी आपकी मर्जी कोई दिक्कत नहीं है, हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं। मेरे व्यूज ये कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर ही एक अच्छा फ्यूचर आपको देगा, क्योंकि एक छोटे यूरेनियम की पार्ट से मैं ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बना सकता हूँ, और उस एनर्जी के यूज से हम काफी सारे जगहों की इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हो जो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाता हूँ, शायद आपको उससे क्लैरिटी हो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन को क्रिएट करता है, वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम से टकराता है और उससे 3 और न्यूट्रॉन क्रिएट होते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि जब कभी भी एक न्यूट्रॉन को किसी यूरेनियम से हम टकराते हैं, ऑब्वियस है कि वो छोटे 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 न्यूक्लियाई में टूटता तो है, लेकिन साथ ही साथ वो 3 न्यूट्रॉन्स भी बनाता है जो फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करने में आपकी हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ आपकी एनर्जी बनती है। हम उसी एनर्जी का दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ, पहले आप इसके बारे में समझो कि ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, जिस प्रोसेस के अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई को तोड़कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में किया गया, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बेटा कि 2 लाइट एटम न्यूक्लियाई है, अब ये दोनों 2 लाइट एटम न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे, जैसे ही आपस में मिलेंगे तो एक हैवी न्यूक्लियर क्रिएट होगा और साथ में एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ आपकी निकलती है, हम इस एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। बट इसकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फ्यूजन की, इसके लिए ना एक तो यार बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, और दूसरा बहुत हाई प्रेशर के अंदर ही आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा जो प्रेफरेबल रहता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, पहले तो ये बात। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में और थोड़ा बता दूं बेटा कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम किसी न्यूक्लियर फिजन की बात हम करते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हम करते हैं, दोनों में क्या होता है, जैसे मान लो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है, ये टूटा, ठीक है, इससे क्या बने, 2 प्रोडक्ट बने और साथ में आपके बने 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपके पास क्या बने, 3 न्यूट्रॉन्स आपके बन जाते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास 1 होता है, आपका चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब ये जो 2 न्यूक्लियर निकले ना, अब होता पता क्या है मेरे समझने वाली बात क्या है कि पहले जो यूरेनियम था उसका मास ले लेता हूं, ठीक है, यूरेनियम का मैं मास ले लेता हूं, और उसके बाद इनके जो 2 प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट ए मान लो, प्रोडक्ट बी, और प्लस ये जो न्यूट्रॉन है मान लो 3, इनके मासेस को भी ले लेता हूँ, ठीक है, मास और न्यूट्रॉन को भी चलो आपके लिए ले लेता हूँ।
ठीक है, दैट इज न्यूट्रॉन, इनको भी ले लेता हूं मैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए ना, बट ऐसा कभी नहीं होता। एक्चुअली में रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। अब सवाल पता क्या होता है यार, सवाल ये हमें पीछे पता होता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में आइंस्टाइन ने पहले हमें बड़ी अच्छी एक थ्योरी दे दी थी, इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहा जाता है। उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर जो E है वो एक्चुअली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, M जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट है ये एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तभी मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी कोई भी पार्ट, जैसे मान लो यूरेनियम है, जब वो टूटता है तो लाइटर न्यूक्लियाई बनता है, उस लाइटर न्यूक्लियाई के साथ एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी कहां से आई? जो इन दोनों के मासेस का डिफरेंस है ना वो एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एंड अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले का मास बाद के मास का डिफरेंस निकाल लो, उसको सी स्क्वायर जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 to 10 की पावर 8 उससे मल्टीप्लाई, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिल जाए। क्लियर? तो ये सारा कुछ बेटा इसका बेसिक है, यहां से सब कुछ टेक प्लेस करता है। अब मैंने आपको एक बात कही थी ना यहाँ पर कि जब हमारे पास कोई भी यूरेनियम है सपोज, उसमें से न्यूट्रॉन को मारा, उस जैसे उस न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं 3 और न्यूट्रॉन मिलते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 और के से स्ट्राइक करेंगे तो 3 3 3 9 बना देंगे न्यूट्रॉन। तो देखा जाए अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगी, चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा यूरेनियम वहां पर खत्म नहीं हो जाता। और अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो वो एज ए बॉम्ब की तरह यूज होगा, डिस्ट्रक्टिव यूज होगा। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर लूं, अपने अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर लूं, तो वो कंस्ट्रक्टिवली यूज हो जाएगा। यही न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता क्या है कि एक्चुअली में जब ये रिएक्शन सब टेक प्लेस कर रही होती है ना, हम ये देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बीच के अंदर ना बेटा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जो आप देखेंगे तो आपके पास कैडमियम रोड्स देखेंगे, ये कैडमियम रोड्स होती है। इन कैडमियम रोड्स का काम होता है आपके न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने, न्यूट्रॉन जो है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसने कंट्रोल कर लिए, बात खत्म। अब उसके बाद क्या होगा? देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं यूरेनियम आया, यूरेनियम ने मान लो 3 न्यूट्रॉन निकाले, जैसे उस न्यूट्रॉन से टकराया, 3 न्यूट्रॉन निकाले, अब वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम के एटम से टकराएगा तो फर्दर 3 3 बनाएगा। लेकिन अगर उन 3 3 में से 6 को मैं एब्जॉर्ब कर लूं, सिर्फ 3 ही बचे तो फर्दर क्या होगा? वो 3 ही यूरेनियम से टकराएगा ना अभी, अदरवाइज क्या था, वो 9 से टकराने वाला था। पर इसी को बोलते हैं, अब उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं अपने पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसे टर्बाइन घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। बट ऑफ कोर्स है यार, ये इतना आसान नहीं है, बहुत रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अगर आपके रेडियो एक्टिव पावर प्लांट के अंदर हल्के से लीकेज हो जाए तो बहुत डिजास्टर आसपास हो जाएगा, मतलब वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेडियो एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस में, वो रेडियो एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, एंड ये तो आपको पता क्या होता है, ये इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है कि जेनेटिकली आपके अंदर इफेक्ट डाल, तो ये बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग हो जाए। इसलिए इसको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, इसको कंट्रोल मैनर बनाना पड़ता है। लेकिन जहां तक बात आती है ना कि इसकी पावर कितनी है, सर इसकी पावर बताओ, तो ये पावर यही देख सकते हो बेटा कि अगर मैं सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम या प्लूटोनियम ले लेता हूं, सिर्फ 1 ग्राम, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 1 ग्राम चाहिए, उससे मैं प्रतिदिन 1 मेगावाट पावर जो है वो जनरेट कर सकता हूं, सिर्फ 1 ग्राम से 1 मेगावाट यूज कर सकता, जो किसके बराबर है, 3 टन कोयले को जला दो उससे जो एनर्जी मिलेगी ना ये उसके बराबर है, या 600 गैलन ऑफ फ्यूल ऑयल उसको आप जला दो प्रतिदिन, प्रतिदिन तो आपको इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी जो सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम को जलाने से मिलता है। आप कंपैरिजन देख रहे हो कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है आपकी यहाँ पे। तो एक बात समझने बेटा बहुत ही जरूरी है, और हाँ एक बात और है, यूरेनियम जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, बात खत्म। जहां पे अगर मैं बात करता हूँ ना, यही की कोयले की बात कर रहा था, जहां पे मैं बात कर रहा था ऑयल की बात कर रहा था, जब हम उनको जलाते हैं तो यार उसमें से काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, जो कि लगभग उस पूरे का 1/4 होता है इसका।
ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ कोर्स वो इफेक्ट कर रही हैं, हमारे धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, सोलर कैप जितने भी हमारे जो पोलर कैप्स हैं, जो हमारे स्नो हैं, वो पिघल जाएंगे, बहुत कुछ क्रिएट होता है ग्लोबल वार्मिंग से, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जितना हो सके एनवायरमेंट की हेल्प के लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है कंट्रोल करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ तभी ठीक होगा, नहीं तो मुश्किल हो रही है सारा कुछ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया अगर इसको कंट्रोल्ड मैनर में किया जाए। अब हम बात कर लें कि अगर इसको कंट्रोल मैनर में ना किया जाए तो क्या होगा, ये होगा। तो अगर मैं एक कंट्रोल्ड मैनर में इसका इस्तेमाल नहीं करता तो इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी कि वो एज अ ब्लास्ट हो जाएगा। इसी को तो न्यूक्लियर वेपन्स का नाम दिया गया। उससे क्या क्या होगा उधर देख सकते हो, डेविस्टेटिंग, बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है यार। तुम्हारे आस वो याद है आपको जापान पे जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब गिरा था, क्या हालत हो गई थी, बस वही चीज है। तो एनर्जी जो है ना, जो न्यूक्लियर चीज होती है, ऑफ कोर्स अगर हम उसको सही रास्ते में यूज करें तो हमारे लिए, मैं कहता फ्यूचर की सबसे बड़ा बहुत तगड़ा फ्यूल होगा, जिसको हम थोड़ी सी चीज के ऊपर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव के अंदर, तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव में तो आप हर चीज के अंदर देख सकते हो, इसलिए हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचना चाहिए डिस्ट्रक्टिव में। सो फाइनली हमने अपना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो हमने स्टडी कर लिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करी, हमने ये जाना कि कितने डिफरेंट सोर्सेज है जहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड किन मेथड से ये सब कुछ टेक प्लेस करता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इनका यूज कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से हम उनसे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट नॉन रियूनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम कहते हैं, एंड उसके बाद ना थोड़ा सा और रह जाता है, फिर आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट पार्ट में खत्म हो जाए, नहीं होगा तो उसके मतलब इसके बाद ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो आएगी या तो एक ही आएगी, ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।